हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ईलर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग के अंतर्गत कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आप करते हैं तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट में आप बेच सकते हैं, सेल करने के क्या कंडीशन आपके लिए हो सकते हैं, जिसको फ्लिप कोटलर ने आपको बताया हुआ है कि फिजिकल गुड्स होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इवेंट, पर्सन, प्लेस, प्रोपराइटर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। लेकिन मार्केट में किसी भी गुड्स को बेचने के लिए गुड्स टू टाइप डिवाइड किया गया है। फर्स्ट गुड्स को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट गुड्स को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत कन्वेंशनल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, टेंजिबल गुड्स, नॉन टेंजिबल गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशली गुड्स को लेते हैं। सेकेंड स्टेप में आपका आता है इंडस्ट्रियल गुड्स, जिसमें आपको रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फैब्रिकेटेड गुड्स, ऑपरेटिंग सर्विस एंड इक्विपमेंट को ली जाती है। तो फर्स्ट हम आपको लेना चाहेंगे कंज्यूमर गुड्स। अल्टीमेट कंज्यूमर, लास्ट कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो यूज करता है वो लास्ट भी यूज करता है। जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, बुक है, पेन है, कॉपी है, जो भी आप यूज करते हो फर्स्ट टाइम से आप यूज करते हैं तो आप उसके लास्ट कंज्यूमर हुए। अब उसे दोबारा कोई पर्सन यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल गुड किसे कहते हैं? कन्वेंशनल गुड सुविधा के अनुसार जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो परचेज फ्रीक्वेंटली, वांट इमीडिएटली, आपकी आवश्यकता है, आप उसे चाहते हैं, एंड विथ मिनिमम एफर्ट कॉल कन्वेंशन गुड्स। गुड्स आर नॉट ड्यूरेबल इन दी नेचर, या आवश्यकता बहुत लंबे ड्यूरेबल के गुड्स नहीं हो सकती। कंज्यूमर रैपिडली आर आल्सो शॉर्ट टाइम, उसे शॉर्ट टाइम पर तक यूज कर सकता है। सोल्ड बाय मीन प्राइस, एग्जाम्पल जैसे मेडिकल्स के आइटम, ड्रग्स हो गए, ग्रोकरीज आइटम हो गए, जो हम डेली नीड फॉर गुड्स जो हमें लाइफ में जो बिस्किट्स है, आपके लिए बिस्किट प्रोडक्ट है, मिल्क है, न्यूज पेपर है, तो कन्वेंशनल गुड्स जिसको हमारी डेली आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपके लिए स्टेबल गुड्स, जो पर डे आपको फ्रूट्स है, फिर इसके बाद वेजिटेबल लेते हैं, एंड इसके बाद पर डे यूज होने वाले आपके लिए ऑयल्स वगैरह है, तो वह क्या होता है, रेगुलर बेसिस जो आइटम यूज करते हैं जिसे हम कहेंगे स्टेबल गुड। इम्पल्स गुड, सडनली आप मार्केट गए, आप अपने बच्चों के साथ गए, बच्चों ने तुरंत आपको टॉयज की डिमांड, अब आप बच्चे जिद करने लगे तो सडनली आप उनको खरीद लिए। नेक्स्ट आपके लिए इमरजेंसी गुड। इमरजेंसी गुड्स आप ऐसा चाहे नहीं लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पर्सनल क्रिएट हो गई, फैमिली की क्रिएट हो गई, अब उस गुड्स को परचेज करना अनिवार्य। नेक्स्ट है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स आपके लिए क्या है? यह गुड्स जो प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार आप खरीदते हैं, जिसमें आप मार्केट में जाते हैं और परचेज करते हैं, और उस प्रोडक्ट को परचेज करते समय उसे आप लाइक करते हैं। लाइक करने के साथ साथ या ध्यान है कॉम्पिटिटिव स्टोर, उसके पैरेलल और भी प्रोडक्ट और भी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, उन प्रोडक्ट को भी आप उनकी प्राइस, साइज, क्वालिटी, ब्रांड को भी देखते हैं, और प्राइस ऑफ द इनकम देखते हैं कि ये मेरे लेवल का है कि नहीं, उस अनुसार शॉपिंग गुड्स को आप परचेज करते हैं। तो विभिन्न प्रोडक्ट के विषय में आप कंपैरिजन करते हैं और उनकी क्वालिटी देखते हैं। जैसे आपको शूज खरीदना हुआ, आपने रिबॉक का एक शोरूम देखा स्पेसिफिक ओनली फॉर रिबॉक, आपको पसंद आएगी, लेकिन अगर जब आप बाहर गए तो वहीं देखा कि बगल में रेडिडास का भी शोरूम, एडिडास का भी है, नेक्स्ट टू आप एडिडास के भी शोरूम पे चले गए, लिबर्टी के भी शोरूम पे चले गए, अब उसमें से जो गुड्स, जो प्रोडक्ट आपको लाइक लगेगी उस प्रोडक्ट को आप परचेज कर लोगे। स्पेशलिटी गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स क्या है? प्राइस आर मोस्टली ब्रांड एंड लाइक क्वालिटी, लॉयलिटी, इन्फ्लुएंस, ग्रेट स्टेट बाई मोटिव कस्टमर। स्पेशली गुड्स, अब आपकी कस्टमर की पर कैपिटा इनकम बेटर है, अब वह अपनी पसंद से उस सामान को वन टाइम अपने घर में यूज करने के लिए चाहती है,
वह अपने शौक को पूरा करना चाहता है। अब वो घर के लिए नीड फॉर गुड्स तो नहीं है, लेकिन अब एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए वह उसे अपने घर में होम अप्लायंस के रूप में यूज करना चाहता है। जैसे होम अप्लायंस में आप ले सकते हैं स्टेटस इनकम है तो टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। अब आप वॉल टीवी खरीद सकते हैं, एलसीडी ले सकते हैं, एलईडी ले सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिक परचेज वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, गोदरेज की अलमारी ले सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए ड्यूरेबल गुड्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप सामान यूज करते हैं उसे हम क्या करते हैं, ड्यूरेबल गुड। जो सामान आपको फर्स्ट टाइम यूज के बाद उनका कोई यूज नहीं रहता, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स के बाद है, आपके लिए टूथपेस्ट है, शैम्पू है, मेडिकल्स के आइटम ऐसे हैं, ऑयल्स वगैरह ऐसी हैं, डिटर्जेंट पाउडर है, सूप्स है, तो ऐसे आप उन्हें क्या कहेंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट हमने आपको ये सारे आइटम टैंगिबल गुड्स, ऐसी संपत्ति फिजिकल के रूप में वह आपको दिखाई देती है। नॉन टैंगिबल गुड्स में आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, वो सर्विस आपका मेडिकल सेक्टर का हो सकता है, हेल्थ सर्विस की हो सकती है, स्कूल कॉलेज की सर्विस हो सकती है, गारंटी एंड वारंटी की मेंटेनेंस हो सकती है, तो उसको हम कह देंगे इनटैंगिबल गुड्स। अब आपके लिए तो ये आपको मैंने बताया कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल गुड्स, सॉफ्ट गुड्स, नेक्स्ट स्पेशलिक गुड्स, टैंगिबल गुड्स एंड इनटैंगिबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड इनड्यूरेबल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री में आप यूज करते हैं, तो सर्विस ऑपरेट बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर एग्जांपल गैस, कोल, आयरन, स्टील, ईटीसी, रॉ मटेरियल, आप कंपनी में यूज होने वाले रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, जो कंज्यूमर से भी डायरेक्ट आते हैं और इंडस्ट्री के लिए होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आप क्लॉथिंग वगैरह आइटम में आएंगे तो कॉटन है, बीट्स है, लीव स्टॉक है, फ्रूट है, वेजिटेबल है। नेचुरल रॉ मटेरियल आपके लिए क्रूड पेट्रोलियम, आयल और कोल्स हो सकती है जो माइंस से आप निकालते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स, अब सेमी फिनिश्ड गुड्स आपके लिए है तो रॉ मटेरियल ना फिनिश्ड, वो न रॉ मटेरियल है न फिनिश्ड गुड है, बीच में बना हुआ आइटम है, जैसे उसी के आधार पर अब नए गुड्स को बनाते हैं। तो प्रोसेस सप्लाई from one industrial unit and unit to another industrial unit for the processing, for example steel, aluminium, etc. जैसे आप देख रहे थे आपके पास में हिंडाल्को aluminium factory है, तो आप हिंडाल्को aluminium production करते हैं, तो all item आप दी aluminium के, आप कुकर ले तो हिंडाल्को आपको कुकर नहीं, प्रेशर कुकर नहीं देगा। आप अपने यहाँ जो फर्नीचर के रूप में हिंडाल्को से लेते हैं तो अब ये वो एल्युमिनियम तो कैसे हम डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं, हिंडाल्को उसको एक प्लेट्स एल्युमिनियम की बनाती है, फैक्ट्री उससे एल्युमिनियम परचेज करते हैं जिससे वो जो शेप देना है वो अपने यहाँ देख करके उसकी वो सेल करते हैं। इसी प्रकार इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसको राउरकेला है, भिलाई है, टाटा स्टील है, तो ये अपने यहाँ स्टील का प्रोडक्शन, आयरन प्रोडक्शन करते हैं, स्टील प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद एक मोटी मोटी एक बड़े बड़े सीड्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स आपको दी जाती है, आप वहां अपने यहां अपने आवश्यकता अनुसार उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट की शेप में आप प्रोडक्शन करते हो। फैब्रिकेटेड आइटम क्या होते हैं, पार्शियल कंप्लीट आइटम विच बिकेम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट रीच अल्टीमेट यूज ओनली आफ्टर दे असेंबल्ड combined with the other product, for example tire, tube, battery, track, but button, goods plus fabricated goods, मतलब आप एक आइटम परचेज करिएगा तो उस आइटम के साथ आपको ये आइटम परचेज करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना उनको असेंबल किए हुए वह आइटम उसके पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के हैं, फाइनल प्रोडक्ट के ये पार्ट है कि जैसे उनके बिना वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है। सपोज दैट आप अगर एक कार खरीदते हैं तो टायर, ट्यूब उसके साथ आपको मिलती है, वो क्या है, पार्ट है। आप इन्वर्टर खरीदते हैं तो उसकी बैटरी क्या है, पार्ट है। तो आप उसी प्रकार से
आप कोई अगर कोट खरीदते हैं तो बटन उसका कोट ले लीजिए विदाउट बटन, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ये उसके क्या है बेटा, एक पार्ट है ऑपरेटिंग सप्लाई द प्रोडक्ट हाईली आर एसेंशियल टू द बिजनेस ऑपरेशन बट डू नॉट फ्रॉम द पार्ट फिनिश प्रोडक्ट दीज आइटम कोल स्टील क्लीन मटेरियल मेंटेनेंस। अब आपके लिए क्या आती है कि सेमी फिनिश्ड गुड्स, आपने देखा ऑपरेशन सप्लाई, ऑपरेशन सप्लाई किसी भी गुड्स को आप किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन उसको रॉ मटेरियल के अलावा हमें उसे ऑपरेशन बिजनेस को चलाए रखने के लिए आवश्यक पड़ती है। तो जैसे आपको इलेक्ट्रिक आपके लिए आवश्यक होती है, स्टीम की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की आवश्यक होते हैं, इक्विपमेंट पार्ट होती है। तो दीज प्रोडक्ट आर हाईली टेक्निकल इन नेचर डू नॉट बी केम ऑफ दी पार्ट, ये पार्ट नहीं है फिजिकल प्रोडक्ट है बट फैसिलिटी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। तो ये इक्विपमेंट प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने में प्रोसेसिंग में इस पर बिना इक्विपमेंट ऐसे ही पार्ट्स के हम उसको उपयोग नहीं करते। जैसे स्टील प्लांट में बॉयलर रेडिंग लगी है, वेल्डिंग इक्विपमेंट लगा हुआ, तो ऐसे उपयोग आप कर सकते हैं। आज आपने फुल वीडियो क्लासिफिकेशन आपकी प्रोडक्ट को देखे, स्टार्टिंग टू एंड देखी, थैंक सो मच। यदि आपने अपना चैनल वी कॉम्बी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।